लहसुन में लगा दिया भाई पानी, इस बार डबल बोइए पिछले बार से। उम्मीद से बोइए कि इस बार वाला ही भाव मिले, क्योंकि इस बार तो अमेरिका की कृपा रही है भारतीय किसानों पर। चाइनीज लहसुन पर बैन लग गया पूरे वर्ल्ड में, जहाँ जहाँ यूरोप में, कुछ चाइना के मित्र देश से वही चाइनीज लहसुन मंगवा रहे हैं, बाकी तो वर्ल्ड में बैन है। इंडिया में भी बैन है, पर ब्लैक मार्केट होके आ रही है। अब देखते हैं बैन हटता है या नहीं। अगर बैन नहीं हटा है चाइनीज लहसुन से, तो अगले साल भी यही भाव रहना है। अगर हट गया तो फिर वही फेंकना पड़ेगा, क्योंकि इस बार लोगों ने डबल कर दिया रकबा। जो एक बीघा की बो रहा है वो कम से कम डेढ़ और दो बीघा की बो रहा है। जो कभी लहसुन नहीं बोया है उसने भी महंगी लहसुन खरीद के इस बार बोई है। उम्मीद तो है कि भाव रहेगा, पर इंटरनेशनल मामलों में कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये मामला इंटरनेशनल ही है। लहसुन का भाव इसी से आया है, इंडिया में इतनी खपत नहीं है लहसुन की, वर्ल्ड में इंडिया की लहसुन जा रही है चाइनीज लहसुन की बैन होने के बाद। इंडियन लहसुन की डिमांड बढ़ गई काफ़ी, देखो क्या होता है आगे। या तो इस बार जैसे 400 पार ही हो जाएगा, नहीं तो ये 10-20 रुपए किलो, 5 रुपए किलो में बेचनी पड़ेगी, और हो भी सकता है फेंकनी भी पड़े, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही लगा दी लोगों ने इस बार। समस्या जो पहले से लगा देते आ रहा है वो किसान नहीं है, जो नए किसान है वो है, क्योंकि उनका रकबा एकदम बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। जो पहले से लगाते आ रहा है वो तो लगभग डेढ़ ही बढ़ा दें, एक से डेढ़ बीघा कर दी, किसी ने दो बीघा कर दी, क्योंकि उनको याद है लहसुन के भाव कभी भी गिर सकते हैं, फेंकनी भी पड़ सकती है। पर जो नए किसान हैं वो बोते हैं तो कुछ ज़्यादा ही बो देते हैं। जैसे जो किसान कभी नहीं बोएगा उसने एक बीघा की बो दी, इस वजह से रकबा बढ़ जाता है, उत्पादन बढ़ जाता है, तो फिर सप्लाई अधिक होने के कारण डिमांड कम हो जाती है और भाव गिर जाते हैं। पर इस बार इंटरनेशनल राजनीति का फ़ायदा लहसुन वालों को मिल गया है, किसानों को। देखते हैं ये बना रहता है या फिर कुछ होता है। अगर बैन हट गया चाइनीज लहसुन से, तो फिर भाव निश्चित रूप से कम ही रहना है। धन्यवाद किसान भाइयों। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।